नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं झांसी की ताजा खबर पर। कोरोना काल में लगातार हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चारों ओर हो रही मौतों से चीख पुकार मची थी। लोग मंदिर में जाकर भगवान से जीवन बचाने की गुहार कर रहे थे। वहीं सीपरी बाजार थाने क्षेत्र में स्थित सिद्धिपीठ पर मौतों के सिलसिले को रोकने के लिए आज अखंड रामायण पाठ व भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजित कर्ता देवेंद्र भाटिया ने बताया कि कोरोना काल में लगातार शहर में चारों ओर हो रही मौतों के सिलसिले को रोकने के लिए माँ लहर की देवी जी के मंदिर में प्रार्थना की गई थी और कोरोना से हो रही मौत का सिलसिला थम जाए तो अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। इसी मन्नत के पूर्ण होते ही मंगलवार सुबह से मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण पाठ आयोजित किया गया और पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के महंत मोहन गिरी महाराज, पिंडी मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, चंदन सिंह, मुख्य राय सिंह सेंगर आदि उपस्थित रहे। माँ लहर की देवी पे ये कोरोना काल पे जब मृत्यु दर ज्यादा बढ़ गई थी तो ये हम लोगों ने ये माँ से प्रार्थना की थी कि ये कोरोना काल समाप्त होने पर हम लोग एक माँ के दरबार पर एक अखंड रामायण का आयोजन करेंगे। कल 2:30 बजे 1:30 बजे प्रारंभ हुई और आज समापन 11:30 बजे समापन होगा। भाई साहब, जब कोरोना काल में मृत्यु दर बहुत बढ़ गया था, मृत्यु जो यह ज़्यादा हो रही थी, तो हमारे सब मोहल्ले वासियों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हे माई जल्दी ये प्रोग्राम सब ठीक हो जाए तो हम लोग यहाँ अखंड रामायण कराएंगे। तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ रखा है। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।